नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूं जो 80 साल की उम्र में 20 साल जैसी ताजगी भर देगी। हमारे शरीर में जब कोशिकाएं यानी कि सेल्स कमजोर होने लगते हैं, हमारा शरीर बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है, तो ऐसे समय में इस चीज का सेवन करना बहुत जरूरी है। ये हमारी पुरानी कोशिकाओं को एक्टिव कर देती है, नई कोशिकाओं को यानी नए सेल्स का निर्माण करने में मदद करती है। दोस्तों, ये साधारण सी चीज हमारे किचन में मिल जाती है। ये चीज है दोस्तों लहसुन। लहसुन को एक औषधि कहा गया है। जो लोग सही तरीके से लहसुन का सेवन करते हैं, उनका एक एक अंग फौलाद की तरह रहता है। यानी कि लहसुन को अगर चबा चबा कर सुबह खाली पेट खाया जाता है तो ये 10 गुना ज्यादा फायदा करती है। कुछ लोग सोचते हैं कि लहसुन की तासीर तो गर्म होती है, इसे खाने से गर्मी हो जाएगी। तो लहसुन को दो तरीकों से खाया जा सकता है। यह लहसुन जो है हमारे शरीर में से चुन चुन के सभी रोगों सभी बीमारियों को खत्म करने का काम करती है। लहसुन के अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। तो बात करते हैं किन किन बीमारियों में लहसुन जरूर खानी चाहिए। दोस्तों, लहसुन का सेवन सुबह खाली पेट दवाई की तरह लेना चाहिए और इसे सौंफ की तरह चबाकर खाना चाहिए। दिल की सेहत के लिए लहसुन बहुत अच्छी है, यानी गार्लिक जो है दिल की सेहत के लिए काफी अच्छी है। लहसुन खून के बहाव को सही करके बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करने का काम करती है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है इसका सेवन करना। ये आर्टरीज में आ रही ब्लॉकेज को दूर करने में मदद करती है। एक स्टडी से ये बात सामने आई है कि जो लोग कच्ची लहसुन खाने की आदत को अपना लेते हैं, वो दिल के खतरों से बचे रहते हैं। लहसुन का सेवन करने से दिल तक जाने वाली धमनियों में जमा होने वाला वसा बाहर निकल जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही से होने लगता है और दिल के रोगों से हम बचे रहते हैं। लहसुन के अंदर सल्फर पाया जाता है जो कि नसों को चौड़ा कर देता है और खून के बहाव को भी सही कर देता है। दोस्तों, ये लहसुन का दूसरा फायदा है, ये हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। जोड़ों का दर्द को तो ये छू मंत्र कर देता है। दोस्तों, ये जोड़ों के दर्द के लिए तो एक दवाई की तरह काम करता है। अगर किसी इंसान के जोड़ों में दर्द रहता है या फिर थोड़ा सा टकराने पर उनकी हड्डियां दर्द करने लगती हैं, तो एक स्टडी से ये चीज सामने आई है कि जिनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब हुआ कि जिनके जोड़ों में दर्द शुरू हो चुका है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है जिनकी हड्डियां कमजोर और खोखली हो चुकी हैं, उनको रोजाना लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इसके नेक्स्ट फायदे की बात करें तो ये हमारे खून को पतला करने का काम करती है। अब जो भी चीज हमारे खून को पतला करने का काम करेगी, वो हमारे दिल के लिए तो बहुत अच्छी है, यानी वो हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करती है। यानी कि ये कह सकते हैं, अगर आप सुबह रोजाना दो कली लहसुन को अच्छे से चबा कर निगलते हैं, तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है और हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट ने तो इसका सेवन जरूर करना ही है। इसके अलावा नेक्स्ट फायदे की बात करें तो जिनको भी ब्लड शुगर की समस्या हो चुकी है, यानी मधुमेह हो चुका है, उनके लिए भी लहसुन का सेवन करना या फिर आप लहसुन वाला पानी पी सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस और जॉइंट पेन, यह दोनों बहुत ही कॉमन समस्याएं हो चुकी हैं। अगर आप भी इन समस्याओं से बचे रहना चाहते हैं, तो आज से ही लहसुन यानी गार्लिक का सेवन करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ा देती है, यानी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देती है। जो भी हम खाते हैं वो बहुत आसानी से पच जाता है। तो जिनकी पाचन क्रिया बहुत स्लो हो चुकी है, खाया पिया पचता नहीं है, अपच की समस्या रहती है, तो उनको लहसुन का सेवन रोजाना करना चाहिए। आप चाहें तो कच्ची लहसुन को चबाकर खा लें या फिर आप कच्ची लहसुन को पानी के अंदर मिक्स करके भी पी सकते हैं। दोस्तों, आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बहुत कम चीजें होती हैं, लेकिन लहसुन एक ऐसी साधारण सी चीज है जिसे अगर आप कच्चे रूप में सेवन करते हैं तो ये आंखों की रोशनी को बरकरार रखती है, आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करने में मदद करती है। अगर आपकी आंखें बहुत डल सी दिखती हैं, बहुत बुझी बुझी सी दिखती हैं, उनमें रौनक नहीं दिखती, आंखों की रोशनी भी कमजोर पड़ रही है, तो आपको रोजाना इसका सेवन जरूर करना है। दोस्तों, ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करती है, ये सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा देती है, ये याद रखने की कैपेसिटी को बढ़ा देती है। ये इसके ऐसे 7 गुण हैं जो इसको हर एक और औषधि से बहुत खास बना देते हैं। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आप लहसुन का सेवन नहीं करते कच्चे रूप में, तो आज से करना शुरू कर दीजिए।
अब बात करते हैं जिन लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा रहती है वो लहसुन का सेवन कैसे करें। तो उन लोगों ने लहसुन को क्रश करना है, कद्दूकस करना है, 2 कली लहसुन को, और रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर इस कद्दूकस की हुई लहसुन को रख देना है, गार्लिक को रख देना है, सुबह से छान लीजिए, सिर्फ पानी पानी पी लीजिए, आपको पित्त की समस्या यानी गर्मी की समस्या नहीं होगी और आपको सारे फायदे भी मिल सकेंगे। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।